हिंदू का आर्टिकल आज हम पढ़ रहे हैं, फोकस ऑन इन्फ्लेशन, इसका मतलब है मुद्रास्फीति पे ध्यान केंद्रित करना। द आर बी आई चूसेस टू स्टिक टू इट्स कोर मैंडेट। आरबीआई ने जो है अपने जो मूलभूत उसके नियम हैं उन्हीं से चिपके रहने का फैसला किया है, और उसने इग्नोर किया है, उपेक्षा की है उसने अदर प्रेशर, जो भी दबाव रुपए पे बढ़ रहे हैं, अदर प्रेशर सच इज ऑन द रुपी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुल्ड अ सरप्राइज ऑन द मार्केट ऑन फ्राइडे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जो है पुल्ड अ सरप्राइज मीन्स चौंका दिया है शुक्रवार को, बाय कीपिंग इट्स बेंच मार्क, उसकी जो आधारभूत ब्याज की दर है उसे उसने अनचेंज्ड रखा है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किया है और वो 6.5 पे उसने बरकरार रखी है। द डिसीजन टू स्टैंड पेट, ठीक है, ये जो इस तरह का उसने डिसीजन लिया है, कम्स इवन एज द सेंट्रल बैंक चेंज इट्स पॉलिसी फ्रॉम न्यूट्रल टू कैलिब्रेटेड टाइनिंग। ये ऐसे समय में उसका निर्णय आया है कि जब आरबीआई ने जो है अपनी नीति को जो है न्यूट्रल से कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के रूप में रखा हुआ है। इसका मतलब है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब होता है कि जिस प्रकार से बाहरी मार्केट बदलेगा, वैश्विक बाजार बदलेगा, उसी तरह से हम बदलेंगे। अगर वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट घटती बढ़ती है तो उसी प्रकार जो है हम भी हमारी इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे बढ़ाएंगे। इस तरह का स्टेंस जो है रखने का, इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने का जो है रिजर्व बैंक ने फैसला किया है, लेकिन इस समय उसने इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, ठीक है। तो ये जो दृष्टिकोण है न्यूट्रल टू कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, ये दर्शाता है दैट रेट्स कुड गो आइदर अप और स्टे स्टडी इन द कमिंग मंथ्स, कि आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है आरबीआई और घटा भी सकता है। द कॉन्सेंसस ऑन द स्ट्रीट वॉज दैट द आरबीआई वुड रेस रेट्स बाय एट लीस्ट 25 बेसिस पॉइंट टू सपोर्ट द रूपी। निवेशकों का ऐसा मानना था, यहाँ स्ट्रीट जो है निवेशकों के लिए आया है, तो ठीक है, जो शेयर बाजार होता है, तो कॉन्सेंसस मतलब सहमति, तो मतलब ये जो शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं उन लोगों का ऐसा मानना था कि आरबीआई जो है उसकी इंटरेस्ट रेट जो है कम से कम 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, विथ सम इवन प्रेडिक्टिंग अ हाई ऑफ 50 बेसिस पॉइंट। हालांकि कई लोगों का कहना था कि हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट में भी अपनी वृद्धि कर दे। नॉट सरप्राइजिंग द रुपी वीकेंड पास्ट द 74 मार्क ऑफ द यूएस डॉलर। ये बताया गया है कि मतलब पिछले 74वीं बार मतलब 74 टाइम्स जो है वो यूएस डॉलर की तुलना में जो है रुपया गिरा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इवन आफ्टर द न्यूज़ ऑफ द आरबीआई होल्डिंग रेट्स स्टडी हिट्स द मार्केट, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, स्टॉक्स विच हैव बीन ऑन अ डाउन ट्रेंड सिंस सेप्टेम्बर। ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है तब से इसमें मतलब लगातार गिरावट ही देखी जा रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें, ठीक है, सितंबर से लेके, आल्सो टुक अ हिट का मतलब है परेशानी में डाल देना, ठीक है ना, आल्सो टुक अ हिट ऑन फ्राइडे वाइल बॉन्ड्स यील्ड फेल, ठीक है। तो और भी ज़्यादा परेशानी की बात तब हो गई जब शुक्रवार को जब ये बॉन्ड यील्ड्स का मतलब है ये जो निवेशकों को रिटर्न मिलता है ना, मतलब जो फ़ायदा मिलता है निवेशकों को जो अपना वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आने में जो है वो भी प्राप्त नहीं हुआ उस दिन, ठीक है ना, वो भी फेल हुआ। मतलब वाट इज ऑब्वियस इज दैट, यहाँ देखने वाली बात यह है, थ्रो इट्स सरप्राइज डिसीजन, अपने इस चौंकाने वाले फैसले के साथ, द आर बी आई हैज़ चूजन टू स्टिक टू इट्स प्राइमरी मैंडेट। आर बी आई ने जो है अपने मूलभूत जो उसके सिद्धांत हैं उनसे चिपके रहने का फैसला किया है, ऑफ कीपिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जस्ट अराउंड 4%, ये जो घरेलू मुद्रास्फीति है उसको 4% पे ही रखने का फैसला किया है, नॉट विद स्टैंडिंग अदर रिस्क फेसिंग द इकोनॉमी, और मतलब इन सब की उपेक्षा की है उसने, मतलब कि काफ़ी सारी जो चुनौतियां हमारी इकोनॉमी को आज फेस करनी पड़ रही हैं उन सबको दरकिनार करते हुए उसने जो है घरेलू इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% रखने का फैसला किया है। नोटेबली, अब ये देखना भी दिलचस्प है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो मौद्रिक नीति कमेटी है इसका जो डिसीजन टू कीप रेट्स स्टडी, कि उसने जो निर्णय किया है कि वो जो है अपने इंटरेस्ट रेट को जो है एक सार ही रखेंगी, वाज स्ट्रांगली इंडोर्स्ड बाय इट्स मेंबर, इसका जो है सपोर्ट किया है लगभग सारे मेंबर्स ने, विद जस्ट अ लोन मेंबर वोटिंग अगेंस्ट द डिसीजन, सिर्फ एक मेंबर इसके खिलाफ रहा है, एंड इट्स डेडिकेशन टू स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज फर्दर रिट्रेटेड, और उसने अपने इस क्या कहते हैं निश्चय को दोबारा से दोहराया है, किस निश्चय को, कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेट करने का, मतलब ये जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है इसको टारगेट करने का जो उनका निर्णय है उसको उन्होंने दोबारा दोहराया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है, आफ्टर द रिव्यू मीटिंग वेयर आरबीआई ऑफिशियल्स टर्म्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल एज देयर लीगल मैंडेट। और आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि मतलब ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो उनका अपना कानूनी अधिकार है, ठीक है।
विथ इट्स स्ट्रेट फोकस ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, विथ इट्स स्ट्रिक्ट फोकस ऑन इन्फ्लेशन, जो है मुद्रास्फीति पे, मतलब ये जो महंगाई है इस पे, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, गंभीर ध्यान दिया है. मतलब द चैलेंज नाउ, अब जो है मतलब मुद्रास्फीति के जो अब जो है मेन जो है ध्यान रखने वाली बात ये होगी, जो मेन चुनौती जो है वो ये होगी, नाउ विल बी वेदर द आरबीआई कैन साइमल्टेनियसली मैनेज द वेरियस अदर रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जो मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब ये जो आर्थिक स्थिरता है, इसे बरकरार रखने के लिए जो अन्य चुनौतियां हैं उनको मतलब आरबीआई किस तरह से मैनेज करेगी. फॉर नाउ, अब तक द आरबीआई सीम्स टू प्रेफर पीस मील मीजर्स. अब तक हमने जो देखा है कि आरबीआई ने जो है ना, ये पीस मील का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिए जाने वाले उपाय, ठीक है ना, पीस मील मीजर्स, मीजर मतलब समाधान. आरबीआई ने अब तक जो है बहुत ही छोटे छोटे समाधान किए हैं, ठीक है, सच एज ईजिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट नॉर्म. ईजिंग मतलब राहत देना, कि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंटिंग नॉर्म्स का मतलब जो है कि ये जो आप जो है विदेशी, मतलब विदेशी निवेश के मापदंड क्या होंगे, मतलब किस प्रकार विदेशी निवेशक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या प्रावधान होंगे, है ना, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म. तो इसमें भी उसने राहत दी है. एंड माइल्ड इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट. और आरबीआई ने ये भी कहा है मतलब कि जो क्या कहते हैं विदेशी मुद्रा बाजार है, उसमें वो हस्तक्षेप भी मतलब माइल्ड रहेगा उसका, ठीक है, ना ज़्यादा कठोर रहेगा ना ज़्यादा लचीला रहेगा, ठीक है, टू एड्रेस द फाइनेंशियल रिस्क पोस्ड बाय द वीकनिंग रुपी. और ये सब उसने क्यों किया है, क्योंकि ये जो रुपया लगातार गिरता जा रहा है, रुपये की कीमत कम होती जा रही है, ठीक है, और इसके कारण जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है इससे निपटने के लिए उसने ऐसा किया है. टू बी फेयर, अब अगर स्पष्ट रूप से देखें, द डिसीजन टू कीप रेट्स अनचेंज्ड, कि मतलब ये जो ब्याज दरों को जो है मतलब अनचेंज रखा है मतलब आरबीआई ने, पर्टिकुलरली आफ्टर टू कंजिक्यूटिव इंक्रीज सिंस जून. और ये भी यहाँ भी ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जून के बाद लगातार दो बार जो है मतलब सरकार आरबीआई ने अपनी रेट्स बढ़ाई थी, कैन बी परसीव. तो इस डिसीजन को हम इस तरह से देख सकते हैं एज ए स्ट्रेटजी, कि ये एक उसकी नीति है टू कीप द पाउडर ड्राई, ठीक है, कीप द पाउडर ड्राई का मतलब है कि आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना. हाँ, तो यहाँ हम कह सकते हैं मतलब कि आरबीआई का डिसीजन जो है मतलब इस तरह का है, मतलब कि उसने इस तरह का डिसीजन रखा है, मतलब कि जो भी चुनौती आती है बाहरी क्षेत्र से, एक्सटर्नल रिस्क गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब वो जो है उसके हाथ से बाहर, हाथ से निकल ना जाए, है ना, मतलब वो उसकी पकड़ में ही रहे, मतलब तो इस तरह का उसने निर्णय लिया है. इन दिस सेंस, तो इस सेंस में द आरबीआई डिसीजन कुड बी टर्म्ड प्रूडेंट, ठीक है. तो इस तरह से देखा जाए तो आरबीआई का जो निर्णय है उसे जो है हम ठीक ठाक मान सकते हैं, मतलब एक अच्छे मान सकते हैं, प्रूडेंट मतलब एक वाइज डिसीजन. द डिसीजन टू कीप रेट्स स्टडी माइट आल्सो वर्क इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट. और ये जो मतलब यथावत रखी गई है ना, ये मतलब इंटरेस्ट रेट, ये मतलब सरकार के फेवर में भी काम कर सकता है. क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो सरकार को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे वो कम रेट पे मिलेगा, ठीक है ना, चीपर रेट्स इन द रन अप टू द रन अप मतलब आगामी रन अप टू द जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, ठीक है. बॉन्ड यील्ड्स हैव बीन ऑन अ स्टडी राइज. और ये जो मतलब निवेशकों को जो बॉन्ड यील्ड्स प्राप्त होता है ना, मतलब जो उनका रिटर्न मिलता है, वो लगातार बढ़ता बढ़ता रहा था, मतलब सिंस लास्ट ईयर से. एज इन्वेस्टर्स हैव बीन स्पूक्ड बाय फियर्स ओवर द फिस्कल डेफिसिट. इन्वेस्टर्स जो है उनको ये डर भी था, मतलब तो इस डर को जो है पा लिया गया था, मतलब दूर कर दिया गया था इस डर को. किस डर को? कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा एंड द शिफ्ट इन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, कि मतलब वैश्विक दरें जो जिस तरह से बदलेंगी और राजकोषीय घाटा जो है इनमें जो बदलाव आएगा, तो इससे मतलब काफ़ी डरे हुए थे ये जो इन्वेस्टर्स थे, तो इस पर भी जो है काबू पा लिया गया, ठीक है. द आरबीआई डिसीजन टू नॉट रेज द आरबीआईज डिसीजन टू नॉट रेज रेट्स में लिफ्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस एट अ टाइम. तो ये जो है काफ़ी राहत प्रदान करेगा आरबीआई का डिसीजन जो है उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को. व्हेन द इकोनॉमी एंटर्स द बिजी सीजन, जब इकोनॉमी जो है एक मतलब बहुत ही बिजी चल रही है, मतलब बहुत ही व्यस्त है, और जो है फेस्टिवल आने वाला है, तो इस समय पे जो है काफ़ी राहत देगा. गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए, आगे चलते हुए, द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग द आरबीआई विल बी द प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर रेट्स. अब ये जो है आगे के सामने आरबीआई के सामने चैलेंज वो ये होगा कि अब वो जो है किस तरह से अपनी नीति निर्धारित करेगी, कि मान लो कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व है और अदर सेंट्रल बैंक इन अदर डेवलप्ड इकोनॉमी जो हैं, वो अपनी किस तरह से नीतियाँ निर्धारित करते हैं. विच कुड फोर्स द सेंट्रल बैंक, वो जो है हमारे आरबीआई को फोर्स कर सकता है टू लुक बियॉन्ड इट्स इन्फ्लेशन मैंडेट, कि वो भी जो है अपनी नीतियों को बदले, मतलब ठीक है अपनी मौद्रिक नीतियाँ हैं उनमें सुधार लाए आरबीआई. द आरबीआई विल क्लियरली हैव टू जगल
मल्टीपल चैलेंजेस इन द अपकमिंग मंथ्स। तो ये जगल जो है ना, इसका मतलब है कि आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, मतलब इधर उधर, मतलब आपको सक्रिय रहना होगा, मतलब लगातार, ठीक है। तो आरबीआई विल क्लियरली हैव टू जगल मल्टीपल चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ्स। तो आने वाले जो ये मंथ हैं, ये आरबीआई के लिए आसान नहीं होंगे, मतलब काफ़ी चुनौतियों से जो है उसे निपटना होगा। ओके, थैंक यू।